नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य अमला संपूर्ण टीकाकरण के हर संभव और भरसक प्रयास कर रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से अपना की सुविधा खाते हम अपना धन्यवाद। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटरों के अलावा वैक्सीनेशन मोबाइल टीम बनाई गई है, जो गली मोहल्लों व घरों तक पहुंचकर लोगों को टीके लगाने का काम कर रही है। बता दें कि वैक्सीनेशन की मोबाइल टीम ने महज 10 दिन के भीतर 12,000 से अधिक टीके लगाए हैं, जो कि काबिले तारीफ है। भाइयों और बहनों, जैसा कि अपना प्रचंड मालूम है, कोरोना का तीसरी लहर संभावित है नवंबर महीने में आवे के, उसे बचे खातिर उपाय है कि हम बचे कोरोना के। बता दें कि देश में कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा साधन कोरोना वैक्सीन टीकाकरण बन गया है। देश में केवल 10 माह की छोटी सी अवधि में 100 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। इस उपलब्धि में अस्पतालों के साथ साथ मोबाइल टीकाकरण टीम ने भी सराहनीय योगदान दिया है। बता दें कि रीवा में पिछले 10 दिनों में मोबाइल टीम द्वारा 12,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाने के लिए प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीका लगवाने से वंचित व्यक्तियों, दिव्यांगों व बुजुर्गों सहित महिलाओं को टीका लगाने के लिए जिले में कुल 12 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गली मोहल्लों व घरों में पहुंचकर टीका लगाने का काम कर रही हैं। हमारे रीवा जिले में पिछले अक्टूबर में हमने एक टीका एक्सप्रेस चालू किया था, बच्चों के लिए चालू किया था। वो जो हमारे 5 साल तक के बच्चे थे उनको वैक्सीन लगाने के लिए, जो हमारा स्लम एरिया है, चारे हैं, उनसे हमने उनको कवर किया। फिर जब कोविड वैक्सीनेशन जनवरी से स्टार्ट हुआ तब हमने टीका एक्सप्रेस नहीं करी थी, तब वो सिर्फ बच्चों का ही करती थी। लेकिन अब जब सेकेंड डोज का कवरेज आया तो हमको लगा कि फर्स्ट डोज में तो लोग आ गए, काफ़ी आए, सेंटर तक आ जाते थे, लेकिन सेकेंड डोज में हमको जो प्रॉब्लम समझ में आई कि लोग सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ करने के बाद भी। तो फिर हम लोगों ने ये एक सोचा कि जो हमारी टीका एक्सप्रेस थी उसका हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे बच्चों के टीकाकरण में, उसी को हमने इसमें अप्लाई किया। हमने 5 ऑटो से चालू किया था, 5 ऑटो जो रीवा अर्बन क्षेत्र के अलग अलग वार्ड हैं वहाँ जाके वो एक एक घर में, मतलब उनको हमारी आशा, आंगनवाड़ी प्लस नगर निगम की टीम, वहाँ के लोकल पार्षद, सभी लोगों का सहयोग रहता था और सारे लोग को एक जगह इकट्ठे करके और उनको वहाँ वैक्सीन लगाते थे। प्लस उसमें हमने माइकिंग सिस्टम भी किया हुआ है, तो वो उसमें सीएमएचओ सर ने अपील की है, सीएमएचओ सर की ही आवाज़ में वो चलता है, तो उसमें लोग सुन के भी आ जाते हैं कि हाँ यहाँ आ रही है, और उनको एक जो ये होता है कि कौन जाए कौन करे, तो अगर घर तक पहुँच गई है हमारी मोबाइल टीम तो वो लोग आके लगवा लेते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे कुछ लोग पैरालाइज हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पा रहे, हो सकता है घर पे अकेले हों, तो हमारी मोबाइल टीम वहाँ जाके उनको वैक्सीन लगा रही है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। कितनी मोबाइल टीम सक्रिय है और एक टीम में कितने सदस्य हैं? अभी आज के लिए जो हमारा टीकाकरण महाअभियान है 30 के लिए, हमारे यहाँ पे 12 मोबाइल टीम है। वैसे हम 15 दिन से 10 मोबाइल टीम पूरे अर्बन क्षेत्र में लगातार चल रही हैं। इसमें हमारा एक वैक्सीनेटर, एक वेरीफायर और प्लस एक ड्राइवर जो रहता है, ड्राइवर और उसके अलावा एक सपोर्ट, मतलब टोटल तीन से चार लोग एक टीम में रहते हैं। कल तक कितने लोगों को सफल वैक्सीनेट किया गया था मोबाइल टीम के माध्यम से? अभी तक करीब 9-10 हज़ार लोग को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं अभी 10 दिन में जो है, और आज का जो हमारा अभी तक का अचीवमेंट है वो करीब 2000 का है। 2000 मोबाइल टीम के माध्यम से हम वैक्सीन लोगों को लगा चुके हैं।